नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला। अबू धाबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। यहां भारतीय मूल के 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। मंदिर समिति के सदस्यों ने मंदिर से जुड़ा साहित्य मोदी को शनिवार 10 फरवरी रात यहां पहुंचने पर दिया। प्रधानमंत्री यूएई की 2015 की अपनी यात्रा के बाद दूसरी बार यहां आए हैं। दुबई अबू धाबी राजमार्ग पर बनने वाला यह अबू धाबी का पहला पत्थर से निर्मित मंदिर होगा। अबू धाबी में प्रथम हिंदू मंदिर 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा। भारतीय प्रधानमंत्री समुदाय के कार्यक्रम के दौरान मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साक्षी बने। शिलान्यास समारोह दुबई के ओपेरा हाउस में आयोजित किया गया। वास्तव में यह परंपरा का प्रौद्योगिकी से मिलना है। इस मंदिर का निर्माण भारतीय शिल्पकार कर रहे हैं। यह 2020 में पूरा होगा। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम एशिया में पत्थरों से बना यह प्रथम हिंदू मंदिर होगा। ट्रस्ट के एक सदस्य ने खलीज टाइम्स को बताया कि यह दिल्ली में बने BAPS मंदिर और न्यू जर्सी में बन रहे मंदिर की प्रतिकृति होगी। क्या होगी मंदिर की खासियत? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर में भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान अयप्पा सहित कई भगवानों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही इस मंदिर परिसर में एक खूबसूरत बगीचा और मन को मोहने वाला वाटर फ्रंट होगा। इस मंदिर परिसर में पर्यटक केंद्र, प्रार्थना सभा के लिए स्थान, प्रदर्शनी और बच्चों के खेलने की जगह, संबंधित विषयों से जुड़े बगीचे, वाटर फ्रंट, फूड कोर्ट, किताब और गिफ्ट की दुकानें होंगी। भारतीय कारीगर तराशेंगे मंदिर के पत्थर। इस मंदिर की संरचना, निर्माण और प्रबंधन करने वाली BAPS स्वामी नारायण संस्था के एक प्रवक्ता ने कहा कि अबू धाबी में पहला मंदिर अबू मुरेखा में बनाया जाएगा, जो कि दुबई अबू धाबी हाईवे के रास्ते में है। उन्होंने कहा, मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों पर नक्काशी का काम भारत में शिल्पकार के जरिए किया जाएगा और फिर बाद में उसे यूएई में लाकर मंदिर को तैयार किया जाएगा। यूएई और भारत सरकार के द्वारा इस मंदिर के निर्माण से लेकर इसके प्रबंधन तक का काम दिए जाने पर BAPS स्वामी नारायण संस्था खुद को सम्मानित और कृतज्ञ महसूस कर रही है। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।